राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने विभिन्न शिक्षक संगठनों के बैनर तले प्राथमिक शाला प्रधान पाठकों ने धरना प्रदर्शन कर पदांकन सूची निरस्त करने की मांग की है। वहीं डीपीआई के निर्देशों का पालन करने की गुहार लगाई है। विभिन्न शिक्षक संगठनों के बैनर तले राजनांदगांव कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों ने धरना प्रदर्शन कर पदांकन सूची रद्द करने की मांग की है। शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार जैन ने कहा कि डीपीआई का स्पष्ट निर्देश है कि पहले शाला में रिक्त पद है तो उस पद पर पदांकन किया जाए, इसके बाद फिर संकुल व ब्लॉक स्तर पर पदांकन किया जाता है, लेकिन इस सूची में डीपीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान विभिन्न शिक्षक संगठनों ने अनियमितता प्राथमिक प्रधान पाठक पदोन्नति को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर इन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये वो शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका पदांकन अभी पदोन्नति के बाद प्रधान पाठक प्राइमरी स्कूल के पद पर कर दिया गया है। इन्हीं के स्कूल में, इन्हीं के संकुल में पद रिक्त थे, उसको इग्नोर करते हुए इन्हें 50-50 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है और इनके रिक्त पदों पर दूसरे ब्लॉक से टीचर्स को यहाँ पर ला के पदस्थ कर दिया गया है। ये छोटे बच्चों की माँ हैं, अपना परिवार चलाती हैं, कुछ विकलांग शिक्षक हैं हमारे साथ में, और डीपीआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि पहले शाला में रिक्त पद है तो वहाँ पदांकन किया जाए, उसके बाद संकुल में किया जाए, फिर ब्लॉक में किया जाए, उसके बाद भी अगर अतिरिक्त शिक्षक बचते हैं तो उनको ब्लॉक के बाहर किया जाए।